तो भाई ये हेलमेट लेके मैंने तो गलती कर दी। क्या मजा किया था वो टाइम पे। भाई ये क्या चल रहा है? ये वो सूखा फिश। अगर आप यहाँ पे नए हो ना और आप अंदर चले जाओगे, आपको फोर्ट देखना है पूरा, तो यहाँ के लोग आपको टोकेंगे जरूर। अरे बाप रे, इधर क्या हुआ भाई? कुछ तो लपड़ा हो गया। ओके नमस्कार दोस्तों, जय श्री राय, स्वागत है आप सभी का अपने नए वीडियो में। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंधुदुर्ग राइडर। आग थोड़ी सी कम खुल रही है क्योंकि ना थोड़ी सी धूप है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3:18। तो नो प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो में आज का प्लान है देवगढ़ घूमना। देवगढ़ में 3 पॉइंट कवर करने हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे साथ आज है मेरा वही दोस्त जिस दोस्त को आपने लास्ट वीडियो में देखा, तो उसी दोस्त के साथ आज मैं प्लान कर रहा हूं देवगढ़ का। देवगढ़ में 3 पॉइंट कवर करने हैं। एक देवगढ़ फोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जाएंगे। उसके बाद जाएंगे फिश मार्केट अगर गए तो, नहीं तो फिर जाएंगे देवगढ़ बीच पे। उसके बाद जाएंगे लास्ट वाला पॉइंट है, वो है देवगढ़ की पवन चक्की गार्डन। आगे का वीडियो चालू करने से पहले ना मैं आपको इस हेलमेट के बारे में बताता हूँ जो कि मैंने अभी भी लिया था, आपने इसका वीडियो भी देखा रहेगा। तो भाई ये हेलमेट लेके मैंने तो गलती कर दी क्योंकि इसका ना ग्राफिक निकल रहा है। अभी ये देखो, ये आगे करेंगे ना तो यहाँ पे लग रहा है, देखो यहाँ का ग्राफिक गया ये आगे करने की वजह से। दूसरा कुछ ये देखो, यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्या लगा, लेकिन इसका ये भी ग्राफिक जो भी चिपकाया हुआ है ना, ये भी जा रहा है। तो ये हो गया और साइड में भी है, ये देखो यहाँ, देखो यहाँ पे भी जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसको लेके मैंने गलती कर दी। इसके बाद ये देखो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ का स्क्रू निकल के गिर गया। भाई पता नहीं लाइफ में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार ऐसा ही होता है। जो चीज मुझे लेनी होती है ना, काफी टाइम से उस चीज को लेना है करते रहता हूँ ना, जब वो चीज ले लेता हूँ ना, उसके बाद कुछ ऐसा ही होता है। मतलब कुछ दिनों के बाद ना उसमें ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे ना कि मैंने कभी वो सोचे नहीं थे, और पूरा मूड ऑफ हो जाता है। ठीक है चलो निकलते। ओके हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, यार संभाल लेना भगवान। तो भाई टाइम हो चुका है 2:26 और अभी जाना है कनकौली। कनकौली दोस्त को मिलना है और उसके साथ निकलना है देवगढ़ के लिए। तो पहले काम करता हूँ, पहले कनकौली जाता हूँ, थोड़ा सा पेट्रोल डालना पड़ेगा। पेट्रोल डालेंगे, थोड़ा सा गैरेज में जाऊंगा, गैरेज में एक छोटी सी बात करनी है, उससे निकल जाना है। हर हर महादेव। तो लो भाई पहुंच गए कनकौली। कनकौली नगर पंचायत अपने सहर्ष स्वागत करता है, स्वच्छ कनकौली, सुंदर कनकौली। अगर आप यहाँ से सीधा चले जाओगे ना तो कनकौली पूरा क्रॉस कर जाओगे। तो अगर कनकौली के अंदर से आपको जाना है तो ये रास्ता। तो भाई पहले गैरेज में जाते हैं क्योंकि मुझे चाहिए चिकट टेप। अभी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्या पता, लेकिन वो जो चाहिए वो चाहिए, तो वो चाहिए पहले। उसके बाद जाएंगे दोस्त को मिलने। अभी एक काम करता हूँ, गैरेज में रुकता हूँ, गैरेज में रुकने के बाद दोस्त को कॉल करता हूँ, और उसके बाद जाते हैं सीधा देवगढ़। ओके तो भाई हो गया, थोड़ा सा गैरेज में काम था वो तो कंप्लीट हो गया। अभी एक काम करता हूँ, सीधा दोस्त को मिलता हूँ। क्या बात है, आज संडे है ना तो कनकौली थोड़ी खाली खाली दिख रही है। वो तो भाई आगे निकल गया, मैंने तो उसको बोला था यहाँ पे रुक जा, वो आगे चला गया। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चल मेरे घोड़े टनक टनक। ये है मेरा स्कूल और कॉलेज। क्या मजा किया था वो टाइम पे। भाई ये क्या चल रहा है, हाईवे के बीचों बीच गाड़ियाँ लगा के क्या चल रहा है तुम लोग का? क्या बात है, सही है, एकदम बीचों बीच गाड़ियाँ लगा के बात कर रहे हैं भाई लोग, क्या बात है। ऐसे टाइम पे ना पुलिस वाले कहीं नजर नहीं आएंगे। हाँ लेकिन हम बाइक वाले जब भी विदाउट हेलमेट कहीं घूमने जाते हैं ना, तो भाई पता नहीं कहाँ से लेकिन पुलिस वाले आ ही जाते हैं। भाई दोस्त का तो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे मस्त एकदम चाय पीते, तब तक दोस्त आ जाएगा। चाय हो गई, चाय के बिना चलता नहीं है भाई। तो भाई ये सामने वाला रोड देख रहे हो, ये है देवगढ़ जाने वाला रोड और वो हाईवे। ओके तो भाई टाइम हो चुका है 4:24 और अभी कहीं रुकना नहीं है। चाय पीनी थी तो चाय पी लिया, तब तक दोस्त भी आ गया, सोचा अभी चलो निकलते। अभी सीधा नॉन स्टॉप जाएंगे देवगढ़। देवगढ़ में कहाँ, तो पहला स्टॉप लेंगे हम देवगढ़ फोर्ट में। आप लोग को देवगढ़ फोर्ट थोड़ा सा दिखा दूंगा। अगर आपको देवगढ़ फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरा वीडियो देखना है, तो मैंने इससे पहले देवगढ़ फोर्ट का वीडियो बनाया हुआ है, एकदम डिटेल में बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। उसमें ना सब दिखाया है देवगढ़ फोर्ट कहाँ से कहाँ तक है, लोग क्या बोलते हैं, लोगों का कहना क्या है, कितना उसके अंदर अतिक्रमण हो चुका है, ये सब मैंने उस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो अभी एक काम करते हैं, आगे जाने के बाद एक पेट्रोल पंप आएगा लेफ्ट साइड में, वहां पे थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बीच में कहीं रुक गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
क्या बात है क्या बात है, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है भाई इधर। हाँ हाँ, अंकल ने देखा कैसा गाड़ी को घुमाया, क्या बात है अंकल, स्प्लेंडर की हवा ही अलग है भाई, स्प्लेंडर की हवा ही अलग है। तो भाई हमें जाना है सीधा, लेकिन ये अपना सामने वाला रोड देखा जो राइट साइड में रोड गया, उस रोड से जाओगे तो सीधा जाओगे विजय दुर्गा फोर्ट। हाँ, एक दिन मैं जाऊंगा जरूर उस फोर्ट पे, मुझे पूरा वीडियो बनाना है उस फोर्ट पे, क्योंकि ना वो फोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, उसकी खासियत भी बहुत बड़ी है, तो उसको ना एकदम फुर्सत से बनाऊंगा। लो भाई पहुँच गए देवगढ़, ये है देवगढ़ का मेन मार्केट, और मार्केट आते ही थोड़ा सा ट्रैफिक, देवगढ़ कट्टा क्या बात है। तो भाई टाइम हो चुका है 5:19 और हम पहुंच गए देवगढ़, हमारे लेफ्ट साइड में सामने देख रहे हो ये है देवगढ़ का मेन बस स्टैंड। हाँ, एक काम करते हैं ना, इस रास्ते सीधा जाएंगे ना तो फोर्ट पे जाएंगे, तो एक काम करते हैं, यही नीचे पे फिश मार्केट भरता है वो पूरा, इस रास्ते जाते अगर मिला तो मिला, नहीं तो फिर वापस सीधा फोर्ट पे। तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज किया, पहले फोर्ट पे जाने वाले थे, वो जो पीछे सीधा रास्ता था ना वो सीधा जाता है फोर्ट पे, लेकिन सोचा यही बीच में फिश मार्केट मिलता है, अगर जाते जाते फिश मार्केट दिखा तो दिखा, लेकिन भाई ये सामने का नज़ारा देखो यार, देख रहे हो एक नंबर, ये सूखा फिश भाई, मुझे लगता है फिश मार्केट खत्म हो गया। चलो भाई फिश मार्केट आ तो गए, लेकिन यहाँ पे फिश लीलाव बंद है, शायद ख़त्म हो गया या फिर भरा ही नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो सामने जगह देख रहे हो यहाँ पे सब फिश आते हैं, यहाँ पे लीलाव लगता है और यहाँ से लोग खरीदते, क्या बात है यार, यहाँ पे जो बोट दिख रहे मछुआरों के, ये असेंबल होते हैं यहाँ पे, मैं देखो कितना बड़ा है ये सब, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद यहाँ पे ना एक बड़ा लंबा ब्रिज बनने वाला है, अभी जब बनेगा तब मैं दिखा दूंगा ज़रूर, नो डाउट, बट फिलहाल तो ये सब देख के मज़ा आ गया। तो भाई इस जगह से चालू होता है देवगढ़ फोर्ट, सामने अगर इस ये जो सामने दिख रहा है रास्ता, इससे अगर अंदर जाओगे तो इस फोर्ट का मेन दरवाज़ा आपको दिखेगा, इस फोर्ट के बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है यूट्यूब पे, आप ज़रूर वो देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और ये देख रहे हो ये घर नहीं है, ये मंदिर है, दत्त मंदिर। हो, क्या बात है क्या बात है भाई, सामने देख रहे हो अपने लेफ्ट साइड में ये है देवगढ़ बीच। हाँ, क्या कर रहा है बेटे। ओके, तो भाई टाइम हो चुका है 5:28 और हम पहुंच गए देवगढ़ फोर्ट के ऊपर, मतलब ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा फोर्ट एरिया था, लेकिन अभी कुछ नहीं दिखेगा आपको, बीच बीच में फोर्ट के दीवारें बुरुज दिखेंगे, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो ही दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे, लेकिन ये पूरा जो एरिया देख रहे हो सामने ये पूरा फोर्ट एरिया है, और सामने देख रहे हो पवन चक्की, हमें लास्ट स्टॉप वहाँ पे जाना है, मतलब वहाँ पे जाके लास्ट करेंगे हम। ये सब फोर्ट के ऊपर बनाया हुआ है, ये जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये फोर्ट एरिया है, लेकिन काफ़ी टाइम से यहाँ पे घर वर बंधे हुए है, बहुत लोग यहाँ पे रहते, अभी यहाँ पे कितने लोग रहते वो नहीं पता, अगर यहाँ से भी जाओगे तो यहाँ पे ना आपको एक फोर्ट बुरुज दिखेगा, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये देखो सामने ये है बीच वाला बुरुज, ये देखो ये बुरुज है, अगर आप यहाँ से अंदर जाओगे तो ये जो एरिया दिख रहा है, मी कारण आयलोच आहे, आयलोच आहे मी, ह्यो सगळो एरिया ह्यो फोर्ड एरिया। अरे भाई खेलो खेलो यार, क्या बात है, रोज खेलते हो सब, रोज खेलते हो आप, खेल रहे तो बीच में नहीं जाते हम, यहाँ से पीछे चले जाते हैं, चल खेलो, इंजॉय इंजॉय। देखा भाई कैसे लोग बता दे, अगर आप यहाँ पे नए हो ना और आप अंदर चले जाओगे, आपको फोर्ट देखना है पूरा, तो यहाँ के लोग आपको टोकेंगे ज़रूर, सीधा बोलेंगे यहाँ पे कोई फोर्ट नहीं है, आपको फोर्ट देखना है या तो इस रास्ते से सीधा चले जाओ आगे, आपको जो दीवार दिखेगी वो है एक्चुअल वाला फोर्ट, ऐसा यहाँ के लोग बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, यहाँ के लोगों ने ना भाई इस फोर्ट को ना दो हिस्सों में बांटा है, एक नीचे वाला फोर्ट एक ऊपर वाला फोर्ट। ओके, तो भाई हम पहुँच गए फाइनली इस फोर्ट के ऊपर, चलो गाड़ी अंदर जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी लेके जा सकते हैं आप लोग आराम से, नो प्रॉब्लम,
अंदर आने के बाद भाई आपको पहले ही दर्शन होता है इस मंदिर का। एक काम करते हैं, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद आपको मैं डिटेल में बताता हूँ एक्चुअली यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली ये फोर्ट कितना है। हम नीचे खड़े थे ना, जहाँ पे मैंने बोला कि ये साइड में मंदिर है ना, ये दत्त मंदिर है, वहां से चालू होता है फोर्ट, यहाँ तक खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी इंसान को पूछोगे ना फोर्ट कहाँ पे, तो बोलेंगे ये इतना जो दिख रहा है यही फोर्ट है। ये बहुत बड़ा फोर्ट है और यहाँ पे ना बहुत लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। अंदर गया था, अंदर दो तीन बुरुज है वो देखने गया था, तो वहाँ पे लड़के जो खेल रहे थे ना उन्होंने बोला कि ये फोर्ट नहीं है। उनको बोला मैं यहाँ का हूँ तो चुप बैठे। अगर कोई नया बंदा आता है ना यहाँ पे और पूछता है फोर्ट कहाँ पे, तो वो बोलते यही फोर्ट है इतना ही। लेकिन क्या करे यार, लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे अपना हिस्ट्री क्या है क्या नहीं, और छोड़ रहे सब। इसलिए ना बहुत सारे लोग यहाँ पे घर वीर बना रहे बिंदास, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो भाई इस दरवाजे से अंदर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी। ये हर फोर्ट में, अगर जब भी जाओगे किसी फोर्ट में ना, तो आपको मेन दरवाजे के साइड में ही आपको ऐसी हनुमान जी की मूर्ति जरूर दिखेगी। उस मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद ना आगे से एक खतरनाक वाला व्यू दिखता है, वो भी आपको दिखाऊंगा, पहले दर्शन करते हैं। भाई सामने देख रहे हो क्या सीन लग रहा है ना, एक नंबर सीन लग रहा है। ओके तो भाई बाल का तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन भाई एक शॉर्ट में अगर आपको इस फोर्ट के बारे में बताऊं, तो ये फोर्ट 1729 में दत्ताजीराव आंग्रे इन्होंने बनाया था। उसके बाद कान्होजी आंग्रे ने इस फोर्ट को काफी लंबे समय तक कंट्रोल किया। उसके बाद पहले तो मराठा इस पे राज करते थे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यूनाइटेड किंगडम आया, और उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद अभी इंडिया के कब्जे में। ओके तो भाई इस फोर्ट से ना कुछ इस तरह का सीन हमें देखने को मिलता है। क्या बात है यार, क्या बात है। हाँ यहाँ पे आने के बाद ना दिल को खुशी मिल गई यार, दिल को खुशी। सामने सनसेट हो रहा है और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ से हमें दिखाई देता है, क्या बात है। चलो भाई हो गया ना इधर का, ये सब देख के हो गया, सनसेट भी हो गया। अभी यहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर, वो दिख रहे पंखे पवन चक्की वहाँ पर। ओके तो भाई टाइम हो चुका है 6:17, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा देवगढ़ फोर्ट देख के हो गया यार। प्लीज़ अगर आपको इस फोर्ट के बारे में जानना है ना, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है ना, वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको सब पता चल जाएगा इसके बारे में। ओके तो भाई देखते देखते ना काफ़ी अंधेरा हो गया, अभी हमें जाना है पवन चक्की पे, तो यहाँ से लेते हैं राइट। और देखो यार कैमरे में भी कभी कितना दिख रहा है क्या दिख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ नज़रों से सब दिख रहा है। जैसे ही हमने एंटर किया ना वैसे ही लाइट लगा दी, सोचा भाई शूट कर ले जितना करना है, लाइट लगा रहे, क्या बात है। थोड़ा सा जल्दी निकल दे ना, थोड़ा सा जल्दी तो काफ़ी कुछ दिखा सकते थे यार, और देख भी सकते थे। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यहाँ पे, तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा रोशनी लगाई थी, मतलब लाइट हर जगह पे थी। अभी पता नहीं लाइट बिल कम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। ओके तो भाई टाइम हो चुका है बराबर 7:08 और हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। मुझे पता है ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत अंधेरा है, और अंधेरे में मेरे पास ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो अंधेरे में अच्छा शूट करके दिखा सके। जितना भी है थोड़ा बहुत तो मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ आऊँगा ना, तो थोड़ा सा नहीं बहुत जल्दी आ जाऊँगा और यहाँ का सारा नज़ारा आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ऐसा है ना, चाय पिए बिना ना राइड की शुरुआत होती है और चाय पिए बिना ना राइड की एंड होती है, तो चाय बहुत ज़रूरी है। एक काम करते हैं, सामने कोकन रत्न अमृतुल्य चाय मिल रही है ना, वहाँ पे एक पैक मारते छोटा छोटा और सीधा घर। तो भाई टाइम हो चुका है 7:20 और हम अभी जा रहे हैं कनकवली, मतलब घर। अभी कहीं रुकना नहीं है, बीच में कुछ खाना पीना तो नहीं है, बस चाय पीनी थी वो तो हो गई। अंकल अरे बाप रे इधर क्या हुआ भाई, कुछ तो लपड़ा हो गया। अरे वहाँ की आँख, बैठ
कहाँ पढ़ रहे तो तो गेलो अरे भेंडी तो पूर्ण बोर्ड उडावला काय अरे तो फुटला असा का रिक्षा करताना गाडीवर नेतले करूया का मी विचारत रिक्षा अरे काय या उडवाक नाही ते फक्त फुटत असताना तो पाय गाडकन पाय फाडला पुरो नशिबी गाडी माझी होती म्हणून तो गाडी घेऊन टेकलो डोक्यापैकी शंभर फुटता अरे बाप रे मैं तो वीडियो यहाँ पे एंड करने वाला था और कैमरा बंद करके निकलने वाला था तो भाई सामने देखा तो बहुत बड़ा कांड हो चुका है। दो टू व्हीलर आपस में भिड़े लेकिन कोई गिरा नहीं, बस जो बंदा अभी आपने देखा उसके पैर को लगा, पैर को लगा क्या मतलब उसका पैर ना दो हिस्सों में बढ़ चुका है, इतना गाढ़ा खून बह रहा है, इसका मतलब ना उसके पैर को बहुत तगड़ी मार लगी है भाई। ओके तो भाई घर जाते जाते एक बड़ा कांड हमने देख लिया। वो लोग बोल रहे थे कि गलती उस बंदे की है जो बंदा ठोक के भाग गया, लेकिन वो तो अभी वापस आने से रहा क्योंकि उसकी मशीन बिशीन तो वहीं पे थी जो भी गिरा हो, लेकिन उसने सब छोड़ दिया बस गाड़ी लेके वो भाग गया। जो लोग ना रास्ते के बीचों में गाड़ी खड़ी करके बाहर जाते हैं, गाड़ी पार्क करके रखते हैं, तो ये मत करो यार। अगर वो टाइम पे वो इनोवा वहीं पे नहीं रहती ना तो शायद उनका एक्सीडेंट नहीं होता। और टाइम हुआ है एग्जैक्ट 8:32 32 मिनट्स। ओके थैंक यू, वाओ यार मज़ा आ गया आज। ओके यहाँ पे दो मिनट रुकता हूँ, दोस्त को कॉल करता हूँ, अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन नीचे का नज़ारा कुछ यूँ दिख रहा है, क्या बताए, वहाँ पे है छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और नीचे का ये नज़ारा। मुझे लगता है दोस्त नीचे से घर चला गया रहेगा या तो फिर मैं आगे हूँ और दोस्त मेरा पीछे, मुझे पता नहीं। दो मिनट वेट किया, फ़ोन किया लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहा। सो भाई सोचा यहीं पे वीडियो एंड करते, तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी कमेंट करना बस गाली छोड़ के, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।